पूरे नीमच जिले में मुहूर्त के हिसाब से होलिका का दहन किया जाएगा। तो वहीं नीमच जिले में एक ऐसा गांव भी है जहां 600 वर्ष हो गए आज तक होलिका दहन नहीं हुआ है। बताया जाता है कि वहां पूर्व में दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ था जिसमें कई लोगों की जाने गई थी, इसीलिए वहां आज तक होलिका का दहन नहीं किया जाता है। और पूर्व में 600 वर्ष पूर्व रोपे गए एक डंडे ने विशाल वृक्ष का रूप ले लिया है जिसकी गांव वाले पूजा करते हैं। पूरे नीमच जिले में मुहूर्त के हिसाब से बुधवार की रात्रि में होलिका का दहन किया जाएगा। तो वहीं एक तरफ जिले का एक ऐसा गांव भी है जहां करीब 600 साल से होली का दहन नहीं हुआ है, जहां होली के लिए लगाया गया एक डंडा आज एक विशाल वृक्ष बन गया है। रंगों के त्योहार को 600 साल पूर्व खूनी रंग दे दिया गया था। यह नीमच जिले के सिंगोली तहसील का धनगांव है जो जिला मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित है। इस गांव में जो एक यह बड़ा वृक्ष दिखाई दे रहा है, मान्यता है कि करीब 600 वर्ष पूर्व यहां होली का डंडा रोपा गया था, किंतु मुहूर्त का समय निकलने और विवाद के चलते इस होली का दहन नहीं हो पाया था। तब से आज तक यहां होली नहीं जली। दरअसल ग्रामीण के अनुसार 600 वर्ष पूर्व यहां बाहर से आए भाई बहन को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद लोगों के दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में कई जाने गई और वे रंगों के त्योहार पर खून की नदियां बह गई। विवाद के बीच होली के दहन का मुहूर्त भी निकल गया। वहीं साथ में रोपे गए डंडे में अचानक से हरी पत्तियां भी निकल आई। इसके बाद इस होली को नहीं जलाने का निर्णय ग्रामीणों ने लिया। तब से लेकर इस गांव में सालों गुजर जाने के बाद भी आज तक होली नहीं जली है। आज के दिन होली पर इस गांव में इस वृक्ष की पूजा की जाती है और इसके बाद सभी ग्रामीण इस गांव से दूसरे स्थान पर होली जलाते हैं। एक डंडे के रूप में रोपी गई होली ने आज एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुकी है। इस वृक्ष के पास एक मंदिर है जहां माँ चामुंडा विराजमान है। होली के दिन ग्रामीण माता की भी पूजा करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में त्योहार को लेकर भी कई तरह की किविंतराएं प्रचलित हैं। धनगांव की होली उसी की एक कड़ी है। सभी दर्शकों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।